पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह ने विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में माफियागिरी अब भाजपा का नहीं बल्कि जनता का मुद्दा बन गया है। पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में 2017 और 2019 से भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। राहुल गांधी का प्रयोग पहले ही फेल हो चुका है। खास बातचीत में राधामोहन सिंह ने कहा कि भाजपा 2022 का चुनाव विकास और माफियागिरी गुंडागर्दी के मुद्दे पर लड़ेगी। प्रदेश में माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई अब जनता के बीच मुद्दा बनने लगी है। अब ये भाजपा का नहीं जनता का मुद्दा बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि ईमानदार और दमदार की है, जनता उन्हें पसंद करती है। मंडल में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार के सवाल पर कहा कि वर्ष 2022 का चुनाव पार्टी के लिए बेहतर होगा। आपको बता दें कि राधामोहन सिंह भाजपा के सदस्यता अभियान में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने हमारे संवाददाता से खास बातचीत में अपनी बातें कही। इसके 6 जिलों के 27 विधानसभा क्षेत्रों में जो हमारा चुनाव प्रबंधन समिति है, उन समितियों की बैठक थी और लगभग 1000 हमारे प्रबंधन समिति के सदस्य उपस्थित थे। और इस समय मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि महानगर मुरादाबाद के गुरु गोविंद सिंह चौराहे पर भाजपा के द्वारा सदस्यता जो अभियान चल रहा है उसका कैंप लगा है और बड़ी संख्या में इस मोहल्ले के लोग बीजेपी के सदस्य बनने के लिए आए हैं और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, कई लोगों को मैंने भाजपा की सदस्यता दी। अच्छा सर, इसके अलावा अगर राजनीति की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो राजनीति चल रही है, लगातार विपक्ष भाजपा को घेरने में लगा हुआ है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक हाईवे का उद्घाटन किया गया। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष कोई है नहीं, अगर होता तो कोरोना काल में दिखाई देता। कुछ परिवार के लोग हैं जरूर जिनको यहाँ की जनता रिजेक्ट कर चुकी है, अब वो परिवार के लोग चुनाव का जब भी समय आता है तो निकलते हैं, लेकिन यहाँ की जनता अच्छी तरह जानती है कि दिल्ली में बैठा हुआ एक परिवार और उत्तर प्रदेश का एक परिवार, जब भी अवसर मिला उसको उसने उत्तर प्रदेश को मजबूत बनाने का नारा जरूर लगाया लेकिन पूरी ताकत से अपने वंश को मजबूत बनाया। उत्तर प्रदेश आज सौभाग्यशाली है कि मोदी के मार्गदर्शन में योगी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश और देश के विकास में लगा हुआ है। यहाँ की जनता अच्छी तरह समझ रही है, यहाँ विरोधी का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन चूंकि विरोधी हैं तो अपना अस्तित्व दिखाने के लिए समय समय पर कुछ न कुछ करते और बोलते रहते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।